वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया है तो ये है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ये प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है, तो ये उक्ति होगी भूषण की। पंक्ति है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये है कवि भूषण की। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो कवि भूषण है इनका जन्म क्या है, तो यह है 1613 ईस्वी। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण जो कि एक रीति ग्रंथ है में अलंकारों की संख्या कितनी है। तो जो शिवराज भूषण है अलंकार ग्रंथ, इसमें अलंकारों की संख्या है 105। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में इसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है। तो ये कवि बिहारी के द्वारा किया गया था। तो जो ये कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जो भाषा की समाहार शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी के द्वारा किया गया है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आपको कथन को भी ध्यान रखना है, कथन से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है। तो जो लक्षण ग्रंथों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं तो ये पद्माकर जी हैं। जो पद्माकर जी हैं यह रीति सिद्ध कवि हैं। याद रखिएगा, एक ही प्रश्न से ना जाने कितने तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको ये याद रखना है। तो ये कथन कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही द्वारा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था जो पद्माकर है लक्षण ग्रंथों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी ने किसे माना है। तो जो रीतिकाल में अंतिम श्रृंगारी कवि थे तो ये थे द्विजदेव। किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख रीतिकालीन कवि और उनके आश्रयदाता। तो यहाँ से अवश्य एक प्रश्न देखने को आपको हर एक परीक्षा में मिलता ही होगा। तो जो रीतिकालीन कवि और उनके जो आश्रयदाता थे, तो चलिए देखते हैं, जो बिहारी थे इनके आश्रयदाता थे जयसिंह। आगे हैं देव, इनके आश्रयदाता है भवानी सिंह। इन्होंने भवानी सिंह के ऊपर एक काव्य ग्रंथ लिखा था, तो वो है भवानी विलास। इसके पश्चात है भूषण, तो इनके आश्रयदाता थे शिवाजी और छत्रसाल। ये दो इनके आश्रयदाता थे, शिवाजी और छत्रसाल। इसके पश्चात है पद्माकर, इनके जो आश्रयदाता हैं तो ये थे प्रताप शाही। याद रखिएगा, बिहारी के जयसिंह हैं, देव के भवानी सिंह हैं, भूषण के शिवाजी और छत्रसाल, और पद्माकर के प्रताप शाही। तो यहाँ पर मैं जो ये कवि हैं इनके आपको जन्म काल भी बता देता हूँ। जो बिहारी है इनका जन्म काल है 1603। इसके पश्चात जो देव है इनका जन्म काल है 1673। जो भूषण है इनका जन्म काल है 1613। और जो पद्माकर है इनका जन्मकाल है 1753। जन्मकाल को फिर से देखिएगा, ये प्रश्न अवश्य बनते हैं। बिहारी का होगा 1603 ईस्वी, देव का होगा 1673, भूषण का होगा 1613 और पद्माकर का होगा 1753। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आगे है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई। जो ये प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है, तो ये उक्ति होगी मतीराम की। जो मतीराम का समय है ये है 1617। याद रखिएगा, ये पंक्ति है मतीराम की और मतीराम का समय है 1617। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रतिका के रचयिता कौन है। तो जो रचना है श्रृंगार रतिका, तो इसके रचनाकार हैं द्विजदेव। तो जो द्विजदेव है इनका जो समय माना जाता है 1820। श्रृंगार लतिका रचना है द्विजदेव की और द्विजदेव का समय है 1820। आगे जो द्विजदेव की प्रमुख रचना है उन्हें देखते हैं,
श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्पद्रुम और श्रृंगार चालीसा। ये तीनों और ये चारों ही श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्पद्रुम और श्रृंगार चालीसा ये सभी रचनाएं द्विजदेव की हैं। अगला प्रश्न है राम सतसई के रचयिता कौन है? तो जो रचना है राम सतसई, इसके रचनाकार होंगे राम सहाय दास। इस तरह के प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। तो जो ये पंक्ति है किसकी है? तो ये है ठाकुर की। जो ठाकुर थे ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि जो ठाकुर है ये किस काव्यधारा के अंतर्गत आते थे? ये रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते थे। और जो ये इनकी पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है ये वाली, ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच। अगला क्वेश्चन है जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को? तो जो ये प्रसिद्ध उक्ति है किस कवि की है? तो ये होगी बोधा की उक्ति। इम्पॉर्टेंट उक्ति है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो आपको लग रहा होगा कि जो ये वीडियो है इसमें बहुत सी पंक्तियाँ पूछी गई है, ये स्पेशली आपके लिए ही पूछी गई है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पंक्तियों को पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आगामी परीक्षा के लिए आप इन्हें अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हो, इसीलिए आपके लिए ये पंक्तियाँ उठाई गई हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया है? तो ये किया है गोकुलनाथ गोपीनाथ के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया लोक लागी है कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत। तो जो उक्ति है किस कवि की है? इम्पॉर्टेंट उक्ति है ये भी, तो ये होगी घनानंद की उक्ति। घनानंद जी कहते हैं लोक लागी है कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत, ये घनानंद जी ने कहा है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो घनानंद का जन्म काल क्या है? तो ये है 1699 ईस्वी, 1689। अगला है गिरिधर कबीराय की रचना किस छंद में है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला। तो जो गिरिधर कबीराय थे तो ये लिखते थे कुंडलिया छंद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कवित रत्नाकर किसकी रचना है और इसका प्रतिपाद्य क्या है? तो जो कवित रत्नाकर रचना है तो ये होगी सेनापति की रचना, और जो इसका प्रतिपाद्य है ये भक्ति भावना है। इसमें भक्ति का वर्णन अधिकतर किया गया है। और कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो कवित रत्नाकर है इसमें किस भगवान का वर्णन किया गया है? तो ये प्रभु श्री राम का जिक्र इसमें किया गया है। इसके पश्चात जो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि जो सेनापति का समय काल क्या है? तो ये है 1599। ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में बनता है, जो नेट के प्रश्न है, जो नेट की परीक्षा में इस तरह के डेट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हमें क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों को कवियों को रखना पड़ता है, उनकी रचनाओं को रखना पड़ता है, इसलिए आपको प्रत्येक कवि के जन्मकाल को अवश्य याद रखना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है ये है कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे प्राप्त है? तो जो कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है तो ये है पद्माकर जी को। जो पद्माकर है इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि जो पद्माकर है इनका जन्मकाल क्या है? तो ये है 1753। इसे हमने ऊपर देख लिया था तो फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है और इसका वर्ण्य विषय क्या है? तो जो वृत्त कौमुदी के रचनाकार हैं तो ये है मतीराम, और जो वृत्त कौमुदी का वर्ण्य विषय रहेगा तो ये है छंद शास्त्र, इसका वर्ण्य विषय है। जो मतीराम का जन्मकाल है तो ये है 1615। अगला और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता होंगे तो ये होंगे रसरूप।